हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल चिल्ड्रन एजुकेशन टू एंड की एक और नई वीडियो में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को तीन अंक का जोर सिखाने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को फटाफट से करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों, जोर को बनाना बहुत ज्यादा आसान है। देखिए इसको कैसे बनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर हमें 123 में 214 और 352 को जोड़ना है। दोस्तों यहाँ पर बात आ गई कि इसको जोड़े कैसे। दोस्तों राइट साइड से हमारा पहला अंक क्या है, 3, 4 और 2। दोस्तों सबसे ऊपर में क्या है, 3। तो हम क्या करेंगे, 3 के लिए 3 लाइन फाड़ लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम 3 के लिए 3 लाइन फाड़ लेते हैं, 1, 2, 3। अब दोस्तों इसके नीचे क्या है, 4। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 3 लाइनों में ही और 4 लाइन फाड़ लेंगे, 1, 2, 3, 4। अब दोस्तों इसके नीचे क्या है, 2। तो हम क्या करेंगे, उसी तरीके से 4 लाइनों में ही और 2 लाइन फाड़ लेंगे, 1, 2। दोस्तों इन सारे लाइनों को फाड़ लेने के बाद आपको क्या करना है, इन सारे लाइनों को गिन लेना है। तो मेरे साथ गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो दोस्तों 3, 4 और 2 को जोड़ने पर क्या आया, 9। दोस्तों यहाँ पर 9 को लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखना है कि इसके बाद क्या है। दोस्तों इसके बाद क्या है, 2, 1 और 5। दोस्तों इसको भी आपको उसी तरीके से जोड़ना है जैसे हमने 3, 4 और 2 को जोड़ा था। दोस्तों उसी तरीके से सबसे ऊपर में है 2, तो हम क्या करेंगे, 2 के लिए 2 लाइन फाड़ लेंगे, 1, 2। अब दोस्तों इसके नीचे क्या है, 1। तो हम क्या करेंगे, उसी तरीके से 2 लाइनों में ही और 1 लाइन फाड़ लेंगे, 1। अब दोस्तों उसी तरीके से इसके नीचे क्या है, 5। तो हम क्या करेंगे, उसी तरीके से 1 लाइनों में ही और 5 लाइन फाड़ लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। अब दोस्तों इतना सब कुछ कर लेने के बाद आपको क्या करना है, उसी तरीके से इन सारे लाइनों को गिन लेना है। तो मेरे साथ गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। दोस्तों 2, 1 और 5 को जोड़ने पर क्या आया, 8। दोस्तों हम यहाँ पर 8 को लिख देंगे। अब दोस्तों इसके बाद क्या है, 1, 2 और 3। तो दोस्तों इसको भी आपको उसी तरीके से जोड़ना है। दोस्तों ऊपर में क्या है, 1। तो हम क्या करेंगे, 1 के लिए 1 लाइन फाड़ लेंगे, 1। अब दोस्तों इसके नीचे क्या है, 2। तो आपको क्या करना है, उसी तरीके से 1 लाइनों में ही और 2 लाइन फाड़ लेने हैं, 1, 2। अब दोस्तों इसके नीचे क्या है, 3। तो आपको क्या करना है, उसी तरीके से 2 लाइनों में ही और 3 लाइन फाड़ लेने हैं, 1, 2, 3। अब दोस्तों इतना सब कुछ कर लेने के बाद आपको क्या करना है, इन सारे लाइनों को गिन लेना है। तो मेरे साथ गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। दोस्तों 1, 2 और 3 को जोड़ने पर क्या आया, 6। दोस्तों मैं यहाँ पर 6 को लिख देंगे और दोस्तों ये हो जाएगा हमारा बहुत ही आसान तरीकों से आंसर। आई होप दोस्तों आपको जोर बनाना आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।